दोस्तों LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के द्वारा हाल ही में एक नई पॉलिसी लॉन्च की गई और लोगों में इस पॉलिसी को लेकर बड़ा क्रेज देखने को मिल रहा है। लॉन्चिंग के महज 15 दिन के अंदर ही 50,000 से ज्यादा पॉलिसी बिक गई। ऐसे में आइए देखते हैं दोस्तों कि आखिर इस नई पॉलिसी के क्या क्या फायदे हैं, कितने लाख रुपए तक का आपको बेनिफिट मिलेगा, सम एश्योर्ड गारंटीड रिटर्न वगैरह की सारी शर्तें मैं आपको बताता हूं। 2 मिनट में कांच की तरह क्लियरली सारी इन्फॉर्मेशन A to Z बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस पॉलिसी के नाम की, तो आपको बता दूं इसका नाम है जीवन आजाद पॉलिसी। इसका पॉलिसी नंबर है 868, इसका UIN नंबर है जो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इस जीवन आजाद पॉलिसी में क्या प्लान्स हैं, कितने रुपए निवेश करने पर आपको कितने रुपए का फायदा होगा, आइए देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दूं इस पॉलिसी में न्यूनतम मूल बीमा राशि 2 लाख रुपए है और अधिकतम मूल बीमा राशि 5 लाख रुपए है, जिसे अपन कह सकते हैं ना सम एश्योर्ड। कम से कम आपको 2 लाख रुपए का मिनिमम एश्योर्ड रखना होता है। हालांकि फायदा भी उतना ही ज्यादा मिलेगा आपको। इस पॉलिसी की अवधि है 15 से 20 साल। ये जो LIC का जीवन आजाद प्लान है, ये एक असंबंध अप्रतिभागी व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना है जो कि सुरक्षा तथा बचत का एक मेल प्रदान करता है। यानी कि इसमें आपको इंश्योरेंस प्रोटेक्शन भी मिलता है और आपकी बचत भी हो जाती है, सेविंग भी हो जाती है। मतलब ये कि आपको आपका निवेश किया हुआ पूरा पैसा भी वापस मिल जाता है और उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न भी मिल जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। इससे पहले दोस्तों इस पॉलिसी की एलिजिबिलिटी देखिए आप। पात्रता की शर्तें, न्यूनतम उम्र 90 दिन यानी कि 3 महीने से ऊपर का कोई भी शख्स, बच्चे के लिए भी आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। अधिकतम उम्र इस पॉलिसी के लिए 50 और 65 साल है, जिसमें अलग अलग टर्म्स कंडीशंस होती हैं। कुछ और डिटेल्स आप इसके बारे में देख सकते हैं और एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक 30 साल का कोई व्यक्ति 18 साल के लिए जीवन आजाद स्कीम का प्लान लेता है और वो 2 लाख रुपए के सम एश्योर्ड के लिए 12,038 रुपए 10 साल तक जमा करता है, ठीक है ना। 2 लाख रुपए भी आपको एक साथ नहीं देने, आपको EMI के रूप में मंथली किस्तों के रूप में देने, जिसमें आप किस्त अलग अलग तरीके से रख सकते हैं, जैसे 3 महीने की, 6 महीने की, वार्षिक या मासिक, 5,000, 15,000, 25,000 या 50,000 रुपए तक की किस्त आप रख सकते हैं इसमें, ठीक है ना। ये जो LIC का जीवन आजाद प्लान है, ये एक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग एंडोमेंट प्लान है। इसमें निवेशक को मिलने वाली मेच्योरिटी और डेथ क्लेम पहले से निश्चित है। यानी कि मेच्योरिटी पर आपको इतने रुपए मिलेंगे और इंश्योरेंस करने वाले शख्स की अगर डेथ हो जाती तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, ये पहले से फिक्स्ड होता है। प्रीमियम का भुगतान -8 साल की अवधि तक करना होता है। यानी कि आपने जितने साल की पॉलिसी ले रखी है उससे 8 साल कम समय तक आपको प्रीमियम भरना होगा। मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा आपको आगे कि किस तरह से आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए ये प्लान आपने 15 सालों के लिए लिया तो 8 माइनस कर लिए तो 7 साल तक आपको इसका प्रीमियम भरना होगा, ठीक है ना। और 20 साल तक के लिए आप ये प्लान लेते हो तो आपको 12 साल तक प्रीमियम देना पड़ेगा, राइट। और प्रीमियम में आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, मासिक, तिमाही, छमाही और वार्षिक। चलिए एग्जाम्पल की बात कर रहे थे हम। मान लीजिए 28 साल या 30 साल की उम्र में कोई शख्स इस पॉलिसी को लेता है और 12,083 रुपए वो सालाना इस पॉलिसी में डालता है और आपका प्लान 18 साल का है, तो सबसे पहले तो आपको -8 किया तो आपको 10 साल तक 12,083 रुपए प्रति वर्ष यानी कि हर साल के डालने पड़ेंगे, 1 साल के 12,000 रुपए डालने, ठीक है ना। टोटल आपका अमाउंट कितना हुआ, 1,20,000 के समथिंग हो जाएगा। तो आपको मेच्योरिटी पर 2 लाख का सम एश्योर्ड मिलेगा, जिसमें आपको 4 से 5% तक ब्याज भी मिल जाता है। इस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट के रूप में बेसिक सम एश्योर्ड या फिर एनुलाइज्ड प्रीमियम का 7 गुना भुगतान मिलता है। यानी कि दोस्तों अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है ना तो पॉलिसी लेने के समय चुना गया बेसिक सम एश्योर्ड जो आप चुनोगे जैसे 2 लाख या 5 लाख वो मिल जाएगा आपको, या जो सालाना आप प्रीमियम भर रहे हैं उसका 7 गुना भुगतान नॉमिनी को किया जाएगा। हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि मृत्यु की तारीख तक भुगतान किए गए कुल प्रीमियम 105% से कम न हो ऐसा। बाकी इसमें 90 दिन से लेकर 50 साल तक की उम्र वाला व्यक्ति निवेश कर सकता है। और भी दोस्तों इस पॉलिसी के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है LIC की वेबसाइट के ऊपर, उनके PDF फाइल्स के लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डाल दिए जा रहा हूं, तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा तो आप इस पॉलिसी का नाम लेकर के किसी भी LIC एजेंट से इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं, या आप अपने नजदीकी LIC ऑफिस जाकर के भी आप LIC की पॉलिसी नंबर बता दीजिए, नाम बता दीजिए। सिंपली आपको कहना जीवन आजाद पॉलिसी नंबर 868 की डिटेल बता दो तो समझा देंगे कोई भी स्टाफ वगैरह ना। उम्मीद है दोस्तों LIC को लेकर ये न्यूज अपडेट आपको जरूर जाने मिला होगा। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।